गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में अपन एलिमेंट्री कैनाल और अपने जो एसेसरी ऑर्गन्स थे उनके बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में अपन ने बाइल तक डिस्कस कर लिया था। तो आज का टॉपिक अपना क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनल कैनाल, इन चीज़ों पर क्या है अपन आज डिस्कस करेंगे। जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका जो एंड पार्ट जो है, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनल कैनाल, इस पर अपन आज डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में अपन ने डिस्कस किया था बाइल। बाइल बनता कैसे है, क्या इसके फंक्शन है, क्या इसके कंटेंट है, इन चीजों पे अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। बाइल सीक्रेटेड बाय द लीवर। बाइल क्या है, लीवर के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। इज अनेबल टू एंटर द ड्यूडिनम। ये क्या है, अनेबल होता है किसके अंदर, ड्यूडिनम के अंदर एंटर होने से। व्हेन द हेपेटोपैनक्रियाटिक स्पिंचर इज क्लोज, जब तक क्या है जो अपने हेपेटोपैनक्रियाटिक स्पिंचर है वो क्लोज होते हैं। देयरफॉर इट पास फ्रॉम द हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट अलोंग द सिस्टिक डक्ट। ये क्या है, जो अपना हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट है उससे क्या है पास होता है। The end along the cystic duct से along होता है to the gallbladder where is store, और क्या है gallbladder के अंदर क्या है store होता है। Bile has pH of at and between 500 to 1000 ml। जो bile का जो pH है वो कितना होता है, bile का जो pH है वो अपना 500 pH है 8 होता है, और इसकी जो quantity है वो कितनी होती है, लगभग 500 ml से 1000 ml तक क्या है इसकी क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट अपना आता है, बाइल कंसिस्ट किस किस चीजों से होता है। तो बाइल के अंदर क्या है, वाटर प्रेजेंट होता है, मिनरल साल्ट प्रेजेंट होते हैं, म्यूकस प्रेजेंट होता है, बाइल साल्ट होता है, बाइल पिगमेंट होता है, और कोलेस्ट्रॉल होता है। ये क्या है, बाइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देन आफ्टर अपना आता है फंक्शन ऑफ बाइल। द बाइल्स आर सोडियम टेट्राक्लोट एंड सोडियम ग्लाइकोक्लेट इमल्सिफाई फैट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द बाइल पिगमेंट ब्लूबिन इज ए वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ रिथ्रोसाइट। जो अपना बाइल पिगमेंट ब्लूबिन है वो क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है किसका, ब्रेकडाउन ऑफ द रिथ्रोसाइट। जो अपने रिथ्रोसाइट है उनका क्या है, जो वेस्ट वेस्ट जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है वो है। एंड इज एक्सक्रीटेड इन द रादर देन इन यूरिन बिकॉज ऑफ इज लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। बिलरुबिन इज अल्टर्ड बाय माइक्रोब्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। सम ऑफ यूरोबिलिन विच इज हाईली वाटर सोल्यूबल इज रीअब्जॉर्ब एंड एक्सक्रीटेड इन द यूरिन, बट Most is converted to sterobilin and excreted in the fecus. Bile pigment क्या है, bilirubin वो क्या है अपना waste product होता है किसका, erythrocytes का। जो जब अपनी erythrocyte breakdown होती है उनका क्या है waste product होता है। And is excreted in the bile rather than in the urine because is low solubility in the water। इसकी क्या है solubility, क्या है water में कम होती है।
फैटी एसिड आर इनसोल्युबल इन वाटर. फैटी एसिड क्या होते हैं? इनसोल्युबल होते हैं किसके अंदर? वाटर. विच मेक देम वेरी डिफिकल्ट टू अब्जॉर्ब थ्रू द इंटेस्टाइन एंड बोल. बाइल साल्ट मेक फैटी एसिड सोल्यूबल अनेबल टू बोथ दीज फैट सोल्युबल विटामिन लाइक विटामिन के टू बी रेडिली अब्जॉर्ब. आज का जो अपना टॉपिक वो है क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन, कोलन, रेक्टम एंड एनल कैनाल. तीन चीजें हैं. सबसे पहले क्या अपने लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर रेक्टम के बारे में करेंगे, देन आफ्टर अपन एनल कैनाल के बारे में डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन. इट इज अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग. ये क्या है? 1.5 मीटर क्या है? लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है. बिगनिंग एट द सिक्किम एंड द राइट इलेक फोसा एंड टर्मिनेटिंग एट द रेक्टम एंड एनल कैनाल डीप इन द पेल्विस. क्या है? 1.5 सेंटीमीटर की लॉन्ग एक क्या है? स्ट्रक्चर है. बिगनिंग एट द सिक्किम एंड द राइट इलेक फोसा एंड टर्मिनेटिंग एट द रेक्टम एंड एनल कैनाल डीप इन द पेल्विस. पेल्विस के पार्ट के अंदर क्या है? डीप में प्रेजेंट होती है. इट ल्यूमन इज लार्जर देन दैट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन. जिसका ल्यूमन जो है वो क्या है? बड़ा होता है किसकी तुलना में? स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में. इट फॉर्म एन आर्च राउंड द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पज. द कोलन इज डिवाइडेड इन टू सिक्कम, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, रेक्टम एंड एनल कैनाल. जो अपने कॉलन है उसको क्या है? डिस्क्रिप्टिव पर्पज के हिसाब से अपन ने क्या है? डिवाइड कर दिया है उसको डिस्क्राइब करने के लिए. कौन से पार्ट है? सिक्कम हो गया, असेंडिंग कॉलन हो गया, ट्रांसवर्स कॉलन हो गया, डिसेंडिंग कॉलन हो गया, सिग्मोइड कॉलन हो गया, रेक्टम हो गई और एनल कैनाल हो गई. पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन एंड देयर पोजिशंस. कौन से पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन के? कोलन जो है उसके और जो अपनी उसकी पोजिशन क्या क्या है? ये क्या है इनकी पोजिशन है? हेपेटिक प्लेक्सस कोलन हो गया, स्प्लेनिक प्लेक्सस कोलन हो गया, असेंडिंग कोलन हो गया, ट्रांसवर्स कोलन हो गया, डिसेंडिंग कोलन दिखाया गया, इसमें सिक्किम दिखाया गया, सिग्मोइड कोलन दिखाया गया, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स दिखाई गई है. जो अपनी अपेंडिसाइटिस जो है, अपेंडिसाइटिस जो होती है वो क्या है? ये जो अपनी कुछ नुमा टेल नुमा का स्ट्रक्चर है अपेंडिक्स, इसमें क्या है? इन्फेक्शन हो जाता है. तो इसमें इसको क्या बोलते हैं? अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, जिसको अपन क्या है? रिमूव करवाते हैं बाय द सर्जिकल प्रोसेस. ये सिग्मोइड कोलन है, ये रेक्टम है.
नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है, स्किन। दिस इज ए फर्स्ट पार्ट ऑफ कोलन, ये क्या है जो अपना कोलन है उसका क्या है, फर्स्ट पार्ट होता है। इट इज ए डायलेटेड रीजन विच हैज ए बाइंड एंड इनफीरियरली एंड कंटिन्यूस विद द असेंडिंग कोलन सुपीरियरली, ये क्या है जो अपना कंटिन्यूस रहता है किससे, अपना जो असेंडिंग कोलन है उसे सुपीरियरली में क्या है कनेक्ट रहता है, और जो इसका एंड है वो किससे इनफीरियरली में कनेक्ट रहता है, जस्ट बिलो द जंक्शन ऑफ द टू इलियोसिकल वॉल ओपन फ्रॉम द इलियम, इसके जस्ट बिलो क्या है जो अपने जंक्शन है किसके, दो इलियोसिकल वॉल के जो है वो ओपन होते हैं। इट वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स इज ए फाइन ट्यूब क्लोज एट वन एंड विच लीड टू द सिक्किम, इसके लास्ट एंड जो है वो क्या है वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स होता है जो क्या है एंड एंड एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होती है। इट इज यूजली अबाउट 13 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैज सम स्ट्रक्चर एज द वॉल ऑफ कोलन बट कंटेंट मोर लिम्फोइड टिश्यू। इन्फीरियरली जो है अपने वो डायग्राम दिखाया गया है, इसके अंदर अपने असेंडिंग कॉलन दिखाया गया है, टर्मिनेट इलियम दिखाया गया है, वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स दिखाई गई है, ओपनिंग दिखाई गई है इसकी। ये क्या है नेक्स्ट अपना असेंडिंग कॉलन है। दिस पास अपवर्ड फ्रॉम द सिक्किम टू द लेवल ऑफ द लिवर वेयर इज कर एक्चुअली टू द लेफ्ट एंड एट द हेपेटिक फ्लेक्सर टू बिकम द ट्रांसवर्स कॉलन। दिस पास अपवर्ड फ्रॉम द सिक्किम, ये कहाँ से अपवर्ड फ्रॉम हो रहा है सिक्किम से, टू द लेवल ऑफ द लिवर वेयर इज कर वहां पे क्या कर्व है एक्चुअली टू द लेफ्ट एट द हेपेटिक फ्लेक्सर टू बिकम द ट्रांसवर्स कॉलन। नेक्स्ट कहता है अपना ट्रांसवर्स कोलन, दिस इज ए लूप ऑफ द कोलन विच एक्सटेंड अक्रॉस द एब्डोमिनल कैविटी इन फ्रंट ऑफ द ड्यूडिनम
and the stomach to the area of the spleen where is home the splenic flexure and curve actually downward to become the descending colon. This is a loop of colon. ये क्या है? Colon का loop है which extend across the abdominal cavity. और कहाँ पे फैलता है? जो अपनी abdominal cavity है उसके अंदर फैलता है in front of the duodenum and the stomach. जहाँ पे क्या है अपना? Stomach, duodenum और stomach होता है. The area of the spleen where is formed the splenic flexure. जहाँ पे splenic flexure और जो अपना curve होता है वो क्या करता है? नीचे की तरफ उतरता है, यानी कि डाउनवर्ड की तरफ जाता है और किसके साथ बिकम रहता है? डाउनवर्ड की तरफ रहता है और अपना जो डिसेंडिंग कॉलन है उसके साथ कनेक्ट हो जाता है. दिस इज ए लूप लाइक लूप ऑफ कॉलन विच एक्सटेंड अक्रॉस द एब्डोमिनल कैविटी. ये क्या होती है? लूप होता है कॉलन का जो कि अक्रॉस करता है किसको? एब्डोमिनल कैविटी का, इन फ्रंट ऑफ द ड्यूडिनम एंड द स्टमक. किसके सामने? इन फ्रंट ड्यूडिनम और जो अपना स्टमक है उसके. टू एरिया द स्प्लेनिक वेयर इज फॉर्म द स्प्लेनिक फ्लेक्चर. जो एरिया है वो क्या है? स्प्लेनिक फ्लेक्चर का है. वो क्या है? कर्व बनाता है. कर्व बना के कर्व होता है और वो डाउनवर्ड किसकी तरफ निकलता है? डिसेंडिंग कॉलन की तरफ. क्या है? डाउनवर्ड जाता है. नेक्स्ट अपना क्या है? डिसेंडिंग कॉलन. दिस पास डाउन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी देन कर्व टुवर्ड द मिडलाइन आफ्टर इट इंटर द ट्रू पेल्विस इज नोन एज सिग्मोइड कॉलन. This pass down the left side of the abdominal cavity. जो अपनी abdominal cavity है उसकी क्या है? ये left side में downward की तरफ उतरता है. Then curve toward the midline. और अपनी जो midline जो है, ठीक है, वहाँ पे क्या है? ये curve में होता है, curve shape में होता है. After it enter the true pelvis. उसके बाद क्या है? ये अपना जो true pelvis है उसके अंदर एंटर होता है और इसी को अपन क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज द सिग्मोइड कॉलन. देन आफ्टर इसको अपन क्या बोलते हैं? सिग्मोइड कॉलन बोलते हैं. The sigmoid colon. This is part described as an S-shaped curve. Pelvis then continues toward the become to the rectum. जो sigmoid है वो क्या है? S-shaped का curve है in the pelvis. Pelvis के अंदर that continues downward the become to rectum. और ये continuous नीचे की तरफ किसके साथ connect है? Rectum तक जाता है. The rectum is a slightly dilated section of the colon. जो अपना rectum है वो क्या है? Slightly क्या है? Section है किसका? Colon का, जिसकी लॉन्ग स्ट्रक्चर कितनी है? 13 सेंटीमीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर है. इट लीड फ्रॉम द सिग्मोइड कॉलन एंड रेक्टम एंड एनल कैनाल. ये क्या है? किससे लीड करता है? अपनी जो सिग्मोइड कॉलन है उससे लीड करता है. और टर्मिनेट कहाँ पे होता है? जो अपनी एनल कैनाल है उस पे पास जाके क्या है? ये टर्मिनेट होता है.
नेक्स्ट अपना है एनल कैनाल. दिस इज ए शॉर्ट पास अबाउट 3.8 सेंटीमीटर लॉन्ग इन द एडल्ट एंड लीड फ्रॉम द रेक्टम टू द एक्सटर. एनल कैनाल क्या है, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग है इन एडल्ट के अंदर एंड लीड फ्रॉम द रेक्टम टू द एक्सटर. लीड किससे करता है, रेक्टम से लेके एक्सटर करते हैं. टू स्पिंचर मसल्स कंट्रोल द एनस. जो अपने दो क्या है स्पिंचर होते हैं वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं किसको, एनस को. द इंटरनल स्पिंचर कंसिस्ट ए स्मूथ मसल्स फाइबर. जो अपना इंटरनल स्पिंचर है वो किससे बना हुआ है, स्मूथ मसल्स फाइबर से बना हुआ है. इज अंडर द कंट्रोल ऑफ एब्डोमिनल नर्व. और ये किस पे, ऑटोनोमिक नर्व. ये किस पे बेस है अपना कंट्रोल, इसका नर्व कंट्रोल कंट्रोलिंग जो है वो ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम के अंदर होता है. एंड द एक्सक्रेटरी स्पिंचर इज फॉर्म बाय द स्केलेटल मसल्स. और जो अपना एक्सटर्नल स्पिंचर है वो किससे बना हुआ है, स्केलेटल मसल से बना हुआ है. और उसके ऊपर कौन सा नर्व का कंट्रोल रहता है, वॉलेंट्री कंट्रोल रहता है. जो अपने स्पिंचर हैं वो कितने होते हैं, दो हैं, एक इंटरनल होता है एक एक्सटर्नल होता है. जो इंटरनल है वो किससे बना है, स्मूथ मसल्स फाइबर से मिलकर बना हुआ है जिसके अंदर अपना ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम का कंट्रोल होता है. और जो अपना सेकेंड जो एक्सटर्नल है उसके वो किससे बना है, स्केलेटल मसल से बना हुआ जिसके अंदर क्या है, वॉलेंट्री कंट्रोल होता है. अरेंजमेंट ऑफ द मसल फाइबर इन द कोलन रेक्टम एंड एनल कैनाल सेक्शन वो रिमूव फ्रॉम द लेयर. ये क्या है, डायग्राम है जिसके अंदर अपने जो मसल फाइबर है कोलन की उनको रेक्टम और एनल कैनाल को दिखाया गया है. देन आफ्टर अपने आती है स्ट्रक्चर. जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, 4 लेयर ऑफ टिश्यू. 4 लेयर होती हैं जो क्या है अपनी बेसिक स्ट्रक्चर है किसकी, जीआई ट्रैक की, एलिमेंट्री कैनाल की, वही क्या है इसकी चारों. बट इसके अंदर क्या है कुछ मॉडिफिकेशन है. द अरेंजमेंट ऑफ द मसल्स फाइबर इज मॉडिफाइड इन द कोलन. दे डू नॉट फॉर्म ए स्मूथ कंटिन्यूस लेयर ऑफ टिश्यू बट आर कलेक्टेड इन टू द 3 बैंड कॉल्ड ट्रिनेकोलाई सिचुएटेड एट द रेगुलर इंटरवेल राउंड द कोलन. दे स्टॉप एट द जेजुनम ऑफ द सिग्मोइड कोलन एंड द रेक्टम. ये कहाँ पे स्टॉप होते हैं, जेजुनम ऑफ द सिग्मोइड कोलन एंड रेक्टम पे. एज दीज बैंड ऑफ मसल्स टिश्यू आर स्लाइटली शॉर्टर देन द टोटल लेंथ ऑफ द कोलन दे गिव ए अपीयरेंस टू द ऑर्गन. These anal sphincter are formed by the thickening of the circular muscles in the submucosal layer. There is more lymphoid tissue than in any other part of the alimentary tract. Provide non-specific defense against the
माइक्रोब्स ये क्या करते हैं, जो अपने नॉन स्पेसिफिक डिफेंस है किसके अगेंस्ट, माइक्रोब्स के अगेंस्ट, यानी कि जो अपने माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे क्या है, प्रिवेंट करते हैं। इन द म्यूकस लाइनिंग ऑफ द कोलन एंड द अपर रीजन ऑफ द रेक्टम आर लार्ज नंबर ऑफ ग्लोबुलर सेल फॉर्मिंग सिंपल ट्यूबुलर ग्लैंड विद सीक्रेट म्यूकस। और ये क्या बनाती हैं, अपनी ग्लोबुलर सेल होती हैं जो क्या करती हैं, सीक्रेट करती हैं किसको, म्यूकस को। दे आर नॉट प्रेजेंट बियॉन्ड द जंक्शन बिटवीन द रेक्टम एंड एनस, ये कहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती, अपनी जो रेक्टम और एनस है वहाँ पर नहीं होती। The lining membrane of the anus consists of the certified squamous epithelium, जो lining membrane है किसकी, anus की, वो किससे बनी होती है, squamous epithelium से बनी होती है। Continuous with the mucous membrane, किससे continuous होती है, mucous membrane से। Lining of the rectum above which merge with the skin beyond the external anal sphincter। In upper section of, जो upper का section है, anal canal has canal the म्यूकस मेम्ब्रेन इज अरेंज इन 6-10 वर्टिकल फोल्ड एंड द एनल कॉलम, ये जो 6-10 क्या वर्टिकल फोल्ड के अंदर क्या है अरेंज होती है। ईच कॉलन कंटेंट ए टर्मिनल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर रेक्टल आर्टरी एंड व्हेन ईच, जो कॉलन है वो क्या है कंटिन्यूस होता है किससे, टर्मिनल ब्रांच ऑफ द सुपीरियर रेक्टल आर्टरी से। तो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या होगा, ब्लड सप्लाई ऑफ द रेक्टम एनल एंड कैनाल। थैंक्स टू ऑल।